Assalamualaikum everyone, I hope आप सब लोग ठीक होंगे। So आज मैं आप सब लोगों के साथ अपनी 5 most favorite दुआस शेयर करने वाली हूँ, जो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी ऐसी ज़रूर आती है कि हमें इन दुआओं की ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत पावरफुल दुआएं हैं और एक होता है ना कि एक आजमाई हुई दुआएं हैं कि जब मैंने इन्हें पढ़ा तो वो चीज़ हो जाती है। मतलब कि अगर आप यकीन के साथ कोई भी दुआ पढ़ेंगे अल्लाह ताला पे पूरे यकीन के साथ और दुआ करेंगे ये पढ़ के, तो इंशाल्लाह कोई परेशानी होगी तो वो टल जाएगी और कुछ चाहिए होगा तो आपको मिल जाएगा या उससे बेहतर ही मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे पहली दुआ जो यूनुस अलैहिस्सलाम की है, जब वो मछली के पेट में फंस गए थे तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी। एंड अगर आपको भी कोई सिचुएशन बहुत इम्पॉसिबल सी लगती हो कि अरे इससे निकलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और आपको कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तो आप बस सबसे पहले तो ये जान लें कि अल्लाह ताला के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोच होती है कि ये नहीं हो सकता या ये चीज़ से तो हम निकल ही नहीं सकते, अब तो हम फंस गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद सोचें कि यूनुस अलैहिस्सलाम की सिचुएशन कैसी थी, उनको तो कितनी नाउम्मीदी होती, लेकिन मतलब फिर भी उन्होंने अल्लाह ताला से उम्मीद और यकीन नहीं छोड़ा। उन्होंने अल्लाह ताला से ये पढ़कर दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उन्हें उस सिचुएशन से निकाल दिया, मछली के पेट से निकाल दिया। सो वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। आप इसको पूरे यकीन के साथ पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी जो भी परेशानी होगी या मतलब कि कुछ चीज़ जो इम्पॉसिबल लग रही होगी और आपको लग रहा होगा कि आप इसमें फंस गए हैं, तो अल्लाह ताला आपको उससे निकाल लेगा। और दूसरी दुआ ये है कि अगर आपको दुनिया में भी बेस्ट चाहिए हो और खैर के साथ चाहिए हो, खैर आफियत के साथ, और आखिरत में भी ऐसे ही चाहिए हो, दोनों जहाँ की अच्छी चीज़ों के लिए और खैर आफियत के लिए और आग के अजाब से अगर आपको बचना हो जहन्नम के, तो ये उसके लिए बेस्ट दुआ है। और वो ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतं व फिल आखिरती हसनतं व क़ीना अज़ाबन नार। सो अगर आपको दोनों जहाँ की भलाइयाँ चाहिए हो तो प्लीज़ इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा दिन में जब भी याद आए इसकी एक तस्बीह तो ज़रूर पढ़ लें, और चलते फिरते कभी भी जब भी आपको टाइम मिले इस दुआ को ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अब है तीसरी दुआ जो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत पावरफुल है, और वो ये है, हसबुनल्लाहु व निअमल वकील। मतलब कि जब भी कोई सिचुएशन आपको ऐसी लगती है कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली सब आपके खिलाफ हो गए हैं, मतलब कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही है, तो आपको बस ये पढ़ लेना है, हसबुनल्लाहु व निअमल वकील। इसका मतलब ही यही है कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये दिल से पढ़ेंगे ना तो अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, आपके हर मसले के लिए काफ़ी हो जाएगा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो अब जो मैं दुआ आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये आपको तब पढ़नी है जब आपको लगे कि आपका बहुत लॉस हो गया है और कोई चीज़ आपसे छिन गई है, कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली गई है, तो ये दुआ आपको तब पढ़नी है, तो आपको इंशाल्लाह सब्र भी आएगा और उससे बेहतर चीज़ आपको मिलेगी, ट्रस्ट मी। और वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा जुर्नी फी मुसीबती वख्लिफली खैरम मिन्हा। इस दुआ में हम मांग ही रहे हैं कि अल्लाह ताला तो हमें जो हमारी मुसीबत है, मतलब जो भी मुसीबत है, तो अल्लाह ताला हमें जो तकलीफ़ हो रही है उस पर अजर भी देगा जब हम ये दुआ पढ़ेंगे, एंड ऑल्सो जो चीज़ हमने खोई है उस पर हमें बेहतरीन नेमो बदल, मतलब उससे बेटर एक्सचेंज में चीज़ मिलेगी। सोचें कि जो तकलीफ़ हमें हो रही है उस पर हमें सवाब अजर भी मिल रहा है और उससे बेटर चीज़ भी हमें मिल रही है। तो इस दुआ को प्लीज़ यकीन के साथ पढ़ें, क्योंकि ये एक मैजिकल दुआ है, बहुत पावरफुल है, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर सब्र आएगा और आपको बेहतरीन नेमो बदल से भी अल्लाह ताला ज़रूर नवाजेगा। और ये वाला जो है, ये लास्ट जिक्र वो है जो अल्लाह ताला का फेवरेट भी है और पढ़ने में बहुत ईजी है, आसान है, छोटा सा है, लेकिन इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है, और वो ये है, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। अगर आप इसको दिन में 100 बार भी पढ़ लेंगे ना, तो अगर आपके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी होंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। बस आपको क्या करना है, यकीन के साथ, सच्चे दिल के साथ इसे पढ़ना है, दिन में 100 बार एक तस्बीह,
तो आपके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना होंगे, अल्लाह ताला माफ कर देगा। और ये अल्लाह ताला का फेवरेट जिक्र भी है। सो कोशिश करें कि फिर तो और भी ज्यादा पढ़ें, और कितना छोटा और आसान भी है। सो ये कुछ छोटी छोटी सी दुआएं हैं जो मेरी बहुत फेवरेट हैं, बहुत पावरफुल हैं। और ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती ही होंगी कि जब हमें कुछ इम्पॉसिबल लगता होगा, जब कुछ हम खो देते होंगे, या जब कुछ चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती होंगी, और हमारे गुनाह भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते। तो ये सारी ही दुआएं हमारे लिए बहुत काम की हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें कि इनको याद कर लें, और ऑल्सो इसको शेयर भी करें आगे, ताकि आपकी वजह से कोई और भी इन दुआओं को पढ़ सके और आगे वो भी शेयर करे, तो इसका अजर और सवाब आपको भी मिलेगा। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ ना कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिली होगी। एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर सच इस्लामिक वीडियोज़, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। जज़ाकअल्लाह खैर।